लॉन्गी फ्रॉक सूट की कटिंग, इसकी लंबाई है 32, इसकी चेस्ट है 25 और ये 10-12 साल की लड़की का कुर्ता है। ये कपड़ा है, इसको पहले हम डबल करेंगे इस तरीके से। पहले हम ये डबल करेंगे, फिर डिजाइन को बनाकर देखे इस तरीके से, इसको फिर डबल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया इसकी लंबाई 32 है, तो हमको 34 लेनी है 2 इंच बढ़ा के। यहाँ पे निशान लगाना है, 5 इंच के हमको इसके मुद्दे लेनी है, 5 इंच के ही इसकी बाजू है वो लेनी है। इस तरीके से हमको इसमें गोलाई देनी है। जैसे मैंने आपको बताया 25 चेस्ट है, 6 × 12 6.5, इस तरीके से हमको बढ़ा के लेना है 7, जिससे हमारा 28 हो जाएगी चेस्ट। फिर हमको थोड़ा सा 1-1 इंच दबा देना है। इस तरीके से हमको इसमें शेप देना है। ये हमने शेप दे दिया है, शेप नीचे से हमको जितना घेर चाहिए उतना दे सकते हैं घेर पे। कट गया हमारा सूट फरकदार। अब हमको पीछे का गला काटना है 2 इंच का, इस तरीके से। लंबाई हम जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं, मगर ये छोटा है इसलिए हमें 3 इंच का लंबाई लेना है। और ये हमारा आगे का है, आगे वाला गला हमको बुकरम का बनाना है। ये हमारी बुकरम है, इसे हमें गले 5 इंच का करना है, उस पर निशान लगाना है इस तरीके से। जैसे हम डिजाइन डालना चाहें उस तरीके से हमको इसमें डिजाइन डालनी है, और 2 इंच की यहाँ से चौड़ाई लेनी है और इस तरीके से डिजाइन का निशान लगा लें। ये गला हमारा आगे का है,
ये हमने कपड़ा काट लिया है, ये गले के ऊपर लगाना है इस तरीके से, इसको सिलाई लगा के। अब हमको बाजू काटनी है, ये हमारी 3 इंच की बाजू है। इस तरीके से हमको इस पे टेप देना है। ये हमारी बाजू कट गई। ये हमारा सलवार का कपड़ा है, इसमें से हमको इसमें बाजू पे पाइपिंग लगानी है। इसे मैं सिल के भी बताऊंगी अगली वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।